उठेंगे आधी आधी आंख खुली होगी और मोबाइल, जैसे बस देश का प्राइम मिनिस्टर उनसे चैट करने को तैयार बैठा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव और मैं प्रेजेंट करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल आवर ब्रेन आवर लाइफ को। आज हम बात करने जा रहे हैं, जो लोग कहते हैं मेरे दोस्त नहीं है, मुझे मजा नहीं आता पब्लिक में, मेरे लिए कोई अच्छा आदमी नहीं है, मेरा कोई सर्कल अच्छा नहीं है, दिस काइंड ऑफ पीपल हम टॉक करते हैं। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं बीइंग लोनली या बीइंग अलोन। हम अलग क्यों हैं पब्लिक से, क्योंकि पब्लिक तो बहुत एंजॉय कर रही है लोगों में, तो क्या रीजन है जिसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम क्या करें ऐसा कि वो ना हो। तो आज हम उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे उसको समझेंगे कि हम ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। तो जब हम अकेले होते हैं ना, कई बार हम कहते हैं जी मेरे को तो अकेले रहना बहुत पसंद है, ये पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज क्या है कि जब हम पब्लिक में हो, आपके दोस्त चाय पार्टी कर रहे हैं बट आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप अकेले खड़े हैं वहां पे, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और तीसरा, आपने खुद कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की है और आपको ये समझ नहीं आ रहा भाई इसमें करूं क्या, क्या प्रॉब्लम है इसमें जिसकी वजह से मैं अकेलापन फील कर रहा हूं। और फिर हम क्या है? बिल्कुल ऐसा होता ना लोगों से कट जाना, ऐसा हम फील करते हैं। तो बीइंग लोनली और बीइंग अलोन, ये दोनों में डिफरेंस है, धीरे धीरे स्टेप चेंज होता है। तो ये जो चेंज होता है ये डिप्रेशन की पहली सीढ़ी है। अगर आप यही कंट्रोल कर लेंगे तो डिप्रेशन होगा ही नहीं, आप बाहर आ जाएंगे उससे। तो क्या पॉइंट्स हैं जिससे आपको पता लग जाए कि ये आप डिसऑर्डर की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, उसकी हम बात करते हैं। और ये जो भी हमारा वीडियोस होते हैं ये एजुकेशनल पर्पज से हैं, सो टेक इट एज एजुकेशनल पर्पज। अदरवाइज कोई डिसऑर्डर है तो डेफिनेटली आपको हेल्प लेनी चाहिए किसी प्रोफेशनल की। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वी रिक्वेस्ट यू प्लीज डू दैट, सो दैट वी कैन टॉक, वी कैन चैट। चलते हैं पहला पॉइंट। तो इन लोगों को पहला पॉइंट क्या शुरू होता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, अच्छे से सो नहीं पाएंगे या तो, पहला ऑप्शन। दूसरा, सोएंगे शिफ्टिंग में, मतलब आप 10 बजे सोए 12 बजे उठ जाएंगे, फिर आधा घंटा इधर उधर घूमेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर 2-3 घंटे की नींद होगी, फिर सो जाएंगे। इस तरह जैसे कहते हैं ना कट 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 वाला सिस्टम शुरू होगा। और एक तीसरा ऑप्शन ये है कि नींद आएगी और बिल्कुल सडनली एकदम उठ जाएंगे, थोड़ी सी भी सुई गिर गई, पड़ोसी के बच्चे ने खांसी तेज कर दी तो आप उठ जाओगे। और फोर्थ ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आपका उठने का मन ही ना करे, सोते रहो। अभी मैंने, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में, एक लेडी ने रिकॉर्ड जीता है 6 लाख रुपए, तो वो ट्राई कर सकते हैं, डिसऑर्डर विल हेल्प यू टू अर्न द मनी, कि उसने सोने का रिकॉर्ड बनाया कुछ ग्रीन्स बुक में। खैर एनीवे, इट इज अ जोक अपार्ट। तो हमें ज्यादा सोने की भी आदत हो जाती है, तो स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे, ज्यादातर इंसोमनिया होता है लेकिन एक्सेस स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है सोशल एडिक्शन। हम लोगों को सोशल एडिक्शन हो जाएगा और ऐसे लोगों की पहचान क्या है, सुबह उठेंगे आधी आधी आंख खुली होगी और मोबाइल, जैसे बस देश का प्राइम मिनिस्टर उनसे चैट करने को तैयार बैठा है, यूजलेस थिंग। पहले 2 घंटे लाइफ में आप असूल बना लीजिए, मोबाइल को टच मत करिए, वरना ये किसी और चीज को टच करने नहीं देगा। स्क्रीन 2 घंटे आपको बिल्कुल टच नहीं करनी चाहिए, ये मेरा सजेशन है। पर लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया, पता नहीं किस किस को फॉलो करेंगे, किस किस का क्या पढ़ेंगे, 2 घंटे बैठे हैं बिस्तर पे जम के, फिर वो 2 घंटे से कब 20 घंटे होगा आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है रात को भी सारी रात जाग रहे हैं सिर्फ उसी सोशल मीडिया की वजह से। और अब रही से ही कमी तो हमारे देश की गवर्नमेंट ने पूरी कर दी है कि वो गेम जो है, बहुत सारी गेम्स ऐड कर रही हैं, उनको ऑफिशियल कर दिया है, तो आप गेम खेलने में लगे हैं, पैसे लगा रहे हैं, पैसे भी लुटा रहे हैं, ये सोशल मीडिया एडिक्शन हो जाएगा और फिर जो गैम्बलिंग तक लेके जाएगा। प्लीज डोंट डू दिस,
दो घंटे जरूर याद रखें, मत करें उसे। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, मटेरियलिस्टिक और पीपल। हम जब लोगों से बात नहीं कर पाते, लोगों से झेपते हैं बात करने में, तो क्या होगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा कि हम उसकी कमी कहीं और पूरी करने की कोशिश करेंगे। कहां करेंगे? हम उसकी कमी पूरी करेंगे चीजों को खरीदने में। आप शॉपिंग पे निकल गए, धनाधन खरीद रहे हैं, कुछ चीजें काम की हैं और कुछ बिना काम की हैं, बट खरीदी जा रही हैं। ऐसा हो सकता है, और आजकल तो रही सही कमर तोड़ दिया है ऑनलाइन वालों ने, आपको कुछ करना ही नहीं, अंगूठा दबाना है, घर पे माला जाएगा। तो आपको शॉपिंग करने की आदत हो जाती है और आप पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं उसी में, और बाद में कहते हैं बहुत टायर्ड हो गया, तो बहुत शॉपिंग कर लिया। अरे भाई, शॉपिंग करने पे टायर्ड हो गया, तुमने तो अंगूठा दबाया था। बट ये डिसऑर्डर है जो धीरे धीरे आपको डिप्रेशन की तरफ खींच रहा है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, वेट आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। वेट आप गेन कर सकते हैं, गेन कब करेंगे? जब फूड को अपना फ्रेंड बना लेंगे। खाने को मना ही नहीं कर सकते, हर एक घंटे बाद कुछ ना कुछ देते रहो, अंदर जाता रहेगा, तो हम फूड को अपना दोस्त बना लेते हैं और इसलिए वेट तेजी से गेन करते हैं, कभी कभी 15-20 केजी तक हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, वेट लॉस भी कर सकते हैं कि हम खाना ही छोड़ देंगे। यार मुझे खाना खाना अच्छा नहीं लगता आजकल। खाना खाने में अच्छा क्या है? इट इज नेसेसिटी फॉर द बॉडी। अगर आप खाना नहीं खाएंगे कमजोर हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसा यूज करते हैं कि हमें खाना खाना अच्छा नहीं लगता। तो वेट गेन या लूज अगर आपका हो रहा है तो आप समझिए आपको इमीडिएटली प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। नहीं करेंगे तो जब डिप्रेशन हो जाएगा वो फोर्स कर देगा आपको वहां जाने के लिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं, नॉट फन इन लाइफ। हमें लगता है हमारी जिंदगी तो बिल्कुल सबसे खराब है। वह हमारे अमिताभ बच्चन जी का बड़ा फेमस डायलॉग है, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो हमें अपनी जिंदगी सबसे खराब लगने लगती है। हम अपनी जिंदगी में फन, जैसे कहते हैं ना फन, फन नहीं है हमारी जिंदगी में। बट फन कहाँ है? फिर किराए की दुकान पर मिलता है तो प्लीज ले लीजिए, खरीद लीजिए। नहीं भाई, फन नहीं है। तो इससे क्या होगा? हमें माइग्रेन, सर्वाइकल, बॉडी पेन, कंधों में दर्द, हैवीनेस बॉडी में, बॉडी में इतनी सुस्ती जैसे पूरी जान निकल गई हो, ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। और ऐसी आए तो इमीडिएटली आपको प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए। और अगर ये हम बढ़ने देंगे तो ये आपको बहुत बड़े डिसऑर्डर में डाल सकता है, दिस इज कॉल्ड ड्रग एडिक्शन काइंड ऑफ। आप बहुत ज्यादा लिकर कंज्यूम करने लग सकते हैं, सिगरेट कंज्यूम करने लग सकते हैं और इससे ज्यादा बड़ी ड्रग्स में जा सकते हैं। तो ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं जो मैंने 5 फैक्टर बताने की कोशिश की है आपको, इन पे फोकस करें। और जितनी जल्दी इन सिम्टम को आप ढूंढ लेंगे तो अकेले रहने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जब ये सारे सिम्टम एक्सेस हो जाते हैं तब आप अकेले ही रहेंगे। रिज्यूम करिए, एक आदमी बहुत ज्यादा विस्की पी के बैठा है तो किसके साथ बैठना चाहेगा? किसी के साथ नहीं, छुपेगा वो लोगों से। आपने जरूरत से ज्यादा सोशल एडिक्शन है तो आपको मोबाइल ही चाहिए। तो ये सारी चीजों को आप एनालिसिस करेंगे बैठ के तो आपको समझ आएगा। जब एक्सट्रीम पे चले जाएंगे तो आपको अकेले रहने की ही आदत हो जाएगी, और पब्लिक में भी आप खड़े होंगे तो आप अकेले ही होंगे। आपका इस वीडियो के बारे में, कुछ ऐसे डिसऑर्डर के बारे में कोई क्वेश्चन हो प्लीज पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वी विल रिप्लाई दैट। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जुड़े रहें आपसे। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।